पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, साधु संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर के योग्य शिष्यों में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। संगीत और संगीतज्ञों को ऊंचा उठाने का व्रत जो पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर ने ले रखा था, उसे उनके शिष्य पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने अवश्य ही पूरा करके दिखाया। कला और शास्त्र का सुंदर समन्वय बिरले संगीतज्ञों में ही मिलता है। उच्च कोटि के कलाकारों में शास्त्र के प्रति उपेक्षा और शास्त्रकारों में संगीत कला की अवहेलना देखी जाती रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि संगीत शास्त्र और कला के बीच दिन प्रतिदिन खाई बढ़ती गई। इस दिशा में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने एक आदर्श स्थापित किया। आपका जन्म 24 जून सन 1897 को तत्कालीन बड़ौदा रियासत के जहाज ग्राम में हुआ था। पिता का नाम पंडित गौरी शंकर ठाकुर और माता का नाम झवेरवा था। पंडित जी के बालकाल में आपका परिवार पारिवारिक कलह और आर्थिक संकटों से पीड़ित था। यहाँ तक कि माँ को मजदूरी करनी पड़ी और बालक ओमकारनाथ ठाकुर को मिल में काम करके या रामलीला में अभिनय करके परिवार की सहायता करनी पड़ी। पंडित जी का कंठ प्रारंभ से ही मधुर था। पाठशाला और रामलीला में जब कभी आप कविता गान करते तो शिक्षक और श्रोता दोनों प्रभावित होते। बचपन से ही आप में संगीत से प्रेम था। संगीत सीखने और सुनने के लिए आप सब प्रकार के कष्ट झेलने को तैयार रहते थे। एक बार एक साधु संगीतज्ञ नर्मदा के पार पधारे। उनका गायन सुनने के लिए वे बड़े ललायित हुए। नर्मदा पार करने के लिए पैसे ना होने के कारण उन्होंने तैर कर नर्मदा को पार किया और गीले कपड़े पहने हुए गायन सुनने पहुंच गए। पिता की मृत्यु के बाद पंडित जी को अपने भविष्य की चिंता हुई। इसी बीच आपको सेठ शाहपुर जी, मंचेर जी और ढोंगाची को गायन सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। सेठ ने पंडित जी के बड़े भाई पंडित बालकृष्ण को यह सुझाव दिया कि उन्हें पंडित विष्णु दिगंबर के पास बंबई सीखने के लिए भेज दिया जाए। उस सज्जन ने मार्ग व्यय के लिए कुछ रुपए भी दिए। उनका यह सुझाव घर के लोगों ने मान लिया और उन्हें 13 वर्ष की अवस्था में पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के पास संगीत सीखने के लिए भेज दिया गया। संगीतज्ञ बनने की महत्वाकांक्षा लिए वे बंबई जा पहुंचे। उस विद्यालय में निशुल्क रहने व खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी, किंतु 9 वर्ष तक संगीत सीखने की शर्त थी। कुछ वर्षों बाद कठियावाड़ की एक नाटक कंपनी बंबई आई। प्रबंधक ने पंडित जी का गायन सुनकर एक अच्छी तनख्वाह पर नाटक कंपनी में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। तब पंडित जी के समक्ष एक कठिन समस्या उपस्थित हुई। उनके भाई चाहते थे कि वे नौकरी कर लें और पंडित जी संगीत सीखते रहना चाहते थे। आखिर यह बात पंडित विष्णु दिगंबर तक पहुंची। उन्होंने उनके बड़े भाई से कहा कि आपने 9 वर्ष का वचन दिया है, इस समय ले जाने पर आपको पिछले 3 वर्षों का खर्च देना पड़ेगा। इसे सुनकर पंडित जी के बड़े भाई ने अपनी धारणा बदल दी, क्योंकि उनके पास खर्च देने को पैसा नहीं था। अतः पंडित जी पुनः संगीत सीखने लगे। 6 से 7 वर्ष तक संगीत सीखने के बाद पंडित विष्णु दिगंबर जी ने उन्हें सन 1916 में गांधर्व महाविद्यालय का प्रिंसिपल बनाकर लाहौर भेज दिया। वहां उन्होंने बड़ी तत्परता से अपना उत्तरदायित्व निभाया। उस समय लाहौर भारत में था, अब पाकिस्तान में है। लगभग 9 वर्षों तक विद्यार्थी जीवन गुरुग्रह में बिताने के बाद वे घर लौट आए। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। जून 1922 में सूरत की इंदिरा देवी से उनकी शादी कर दी गई, अतः उनके ऊपर और अधिक जिम्मेदारी बढ़ गई। जलसो द्वारा प्राप्त धन कुटुंब के निर्वाह और शादी के कर्ज को चुकाने में अपर्याप्त था, अतः नेपाल महाराज से सम्मान और धन प्राप्त करने की आशा से वे नेपाल के लिए निकल पड़े। रास्ते में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 6 दिनों तक पैदल यात्रा करने के बाद वे नेपाल महाराज के पास जा पहुंचे। नेपाल नरेश उनके गायन से बड़े प्रभावित हुए और इनाम में 5,000 रुपये दिए। उस समय 5,000 एक बड़ी राशि थी। बाद में पंडित जी ने नेपाल की 3 बार यात्रा की और प्रत्येक बार सम्मान प्राप्त किया।
नेपाल के अतिरिक्त उन्होंने इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड आदि देशों की यात्रा की और जहां भी गए भारतीय संगीत का मस्तक ऊंचा किया। इटली के बेनिटो मुसोलिनी आपके गायन से बड़े प्रभावित हुए। विदेश में भी अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार पाकर वे बड़े दुखी हुए और स्वदेश घर लौटकर बंबई में रहने लगे। सन 1952 में भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान भेजे गए, जहां पर उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक मंडल का नेतृत्व किया। सन 1953 में बुडापेस्ट और सन 1954 में जर्मनी में आयोजित विश्व शांति परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कला के साथ साथ उन्होंने शास्त्र पक्ष पर भी बहुत ध्यान दिया। सन 1938 में संगीतांजलि प्रथम भाग प्रकाशित किया, जिसमें कला पक्ष पर प्रकाश डाला गया। इसके सात भाग अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। इस श्रृंखला के अतिरिक्त प्रणव भारती नामक पुस्तक का लेखन किया, जिसमें शास्त्र की गुत्थियों को सुलझाया गया है। संगीतांजलि में उन्होंने स्वरचित स्वरलिपि पद्धति का अनुसरण किया है। सन 1930 में राजकीय संस्कृति महाविद्यालय कोलकाता द्वारा संगीत मार्तंड, सन 1933 में विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय काशी द्वारा संगीत सम्राट और सन 1955 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में श्री कला संगीत भारती के नाम से संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई और पंडित जी ने उसका अध्यक्ष पद ग्रहण किया। उन्होंने वहां अनेक शिष्यों को तैयार किया। पंडित जी को तैरने का बड़ा शौक था, किसी प्रकार का नशा उन्हें प्रिय नहीं था। विदेशों में भी पूर्ण शाकाहारी का व्रत निभाया। सफाई उन्हें बहुत प्रिय थी, चाहे घर की सफाई हो या कला की। कला की तनिक अवहेलना उन्हें सह नहीं थी। एक बार उन्हें गोंडल के महाराज के यहाँ गाने के लिए निमंत्रित किया गया। कलाकारों का आसन श्रोताओं के आसन से नीचा था। यह बात पंडित जी को बहुत बुरी लगी और उन्हें यह कहना पड़ा कि गाना समाप्त होने के बाद मुझे जमीन पर बैठने में आपत्ति ना होगी, किंतु कला के प्रदर्शन के समय कला और कलाकारों का अपमान मैं नहीं सह सकता। आखिरकार महाराज साहब को तुरंत उच्च आसन की व्यवस्था करनी पड़ी। पंडित जी की गायकी ग्वालियर घराने से संबंध रखती है। ख्याल गायकी इस परंपरा की विशेषता है। पंडित जी ख्याल गायक होते हुए भी ध्रुपद और ठुमरी का प्रदर्शन सफलतापूर्वक कर सकते थे। ठुमरी में श्रृंगारिकता होने के कारण ठुमरी के ढंग पर ही भजन गाने की नई शैली को पंडित जी ने अपनाया। जोगी मत जा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे दिन कैसे कटी हैं आदि भजनों के रिकॉर्ड हैं, जो साधारण जनता तक के कानों में गूंजती है। भजन के अतिरिक्त श्लोक गायन और वंदे मातरम का गायन वे बड़े अनूठे ढंग से करते थे। उनके गायन से भाव चूता सा रहता था। आवाज मधुर होने के साथ अर्थानुकूल और रसानुकूल थी। एक ओर जहां गंभीरता थी तो दूसरी ओर कोमलता थी। इसलिए एक ओर जहां वे बादलों की गरज, बिजली की कड़क, रौद्र का क्रोध दिखा सकते थे, तो दूसरी ओर कोमलता, भक्तिभाव, चपलता, करुणा आदि भावों को कंठ द्वारा सहज ही व्यक्त कर सकते थे। अलापचारी का ढंग उन्होंने हस्सू हद्दू खां के शिष्य औलिया रहमत खां से प्राप्त किया। वे कभी कभी पंडित जी के यहाँ आकर रहते थे। पंडित जी की अलापचारी में रस और भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति होती थी। बोलतानों में गीत के शब्दों के साथ विभिन्न प्रकार की लय और स्वर प्रयोग कानों को बड़ा भला मालूम पड़ता था। पंडित जी के अलाप, बहलावा, तान, बोलतान, सरगम आदि में पूरा समन्वय दिखाई देता था। इस प्रकार पंडित जी संगीत की सेवा करते करते 28 दिसंबर 1967 को थोड़ी सी अस्वस्थता के बाद स्वर्गलोक सिधार गए।